मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक लेटर्स का, ठीक है। लेटर्स में हम लोग इंक्लाइन ग्राफ के बारे में आज इंक्लाइन ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि इंक्लाइन ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन को उसमें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज बनाते, ठीक है, लिखते कैसे लेटर्स को लिखेंगे। लेकिन कुछ लड़कों का कमेंट था कि नहीं सर, हम मतलब इंक्लाइन ग्राफ को फिर से बताया जाए और उसमें ए से लेकर जेड तक सर हम लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनका ये कमेंट था कि सर ये 75 डिग्री में हम लेटर्स को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब इंक्लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो बता दीजिए। और उनका एक सवाल था कि क्या सर मार्जिन लाइन छोड़ना ज़रूरी है और ये आपका टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो उनका ये 3 सवाल था, तो आज हम लोग देख लेते हैं, पहले उनके 3 सवाल का जवाब दे दें। कि देखिए, जब भी ड्राइंग शीट पर जो भी काम कीजिए आप, ठीक है, ड्राइंग शीट अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो मार्जिन लाइन, तो सबसे पहले आपको मार्जिन लाइन छोड़ना होगा, ठीक है। मार्जिन लाइन छोड़ने के बाद ही हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो मार्जिन लाइन कितना छोड़ेंगे तो ये आप लोग को पता ही होगा, आप लोग क्लास किए होंगे, ठीक है, पता ही होगा कि जो हम लोग जो मार्जिन लाइन जो छोड़ते हैं, तो देखिए ये कौन सा हो गया ऊपर, ये ऊपर हो गया। ऊपर साइड से कितना छोड़ना है आपको 10 mm, ठीक है। आप 10 mm भी छोड़ सकते हैं या फिर आप 5 mm छोड़ सकते हैं। फिर देखिए इसको क्या बोलेंगे दाएं साइड, इधर से देखिए ये बता रहे हैं ना, उंगली देखिए मेरा, ये हमारा हो गया दाएं साइड, इधर से चलेंगे तो क्या होगा दाएं साइड होगा। तो ये दाएं साइड से कितना छोड़ना है आपको, फिर वही 10 या फिर 5 mm छोड़ दीजिए आप। और आप नीचे से, ठीक है, नीचे से आप कितना छोड़िएगा, नीचे से भी 5 mm या फिर 10 mm, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आप देखिए ये 3 साइड हो गया, ऊपर से, दाएं साइड से और नीचे से। तो अब देखिए यहाँ में तीनों में से कोई मतलब ये छोड़ना है, अगर 5 mm छोड़ रहे हैं तो आप तीनों साइड से 5 छोड़ेंगे, ऊपर से भी, दाएं साइड से भी, नीचे से भी। अगर आप 10 छोड़ रहे हैं तो आप ऊपर से भी 10 छोड़ेंगे, दाएं साइड से भी 10 छोड़ेंगे और नीचे से भी 10 mm छोड़ेंगे, ठीक है। बच गया अब एक साइड, कौन सा साइड बचा, ये वाला बाएँ साइड वाला, ठीक है। तो देखिए बाएँ साइड वाला कितना छोड़ेंगे, तो बाएँ साइड वाला जो छोड़ना है आपको वो 38 mm छोड़ना है। कितना छोड़ना है 38 mm, मतलब बाएँ साइड से आपको 38 mm छोड़ना है, ठीक है। और ये आपको हम बता दें कि ये 3 साइड तो ये कांस्टेंट है कि 5 या तो फिर आप 10 छोड़िए, लेकिन ये जो आपका है बाएं साइड से है, ये हम लोग जो छोड़ते हैं ये हम लोग एनसीवीटी के निर्देश के हिसाब से छोड़ते हैं, ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगा तो वहाँ ड्राइंग शीट पर आपको लिखा रहेगा कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ठीक है, कुछ निर्देश दिया रहता है। तो उस निर्देश में जब आप, उसमें बहुत सारा पॉइंट रहता है, उसमें जब आप 3 या 4 नंबर पॉइंट पर देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है बात कि प्रत्येक पृष्ठ पर 38 mm छोड़कर हाशिया उत्तर लिखें, ठीक है। वहाँ पे यही बात लिखा रहेगा, प्रत्येक पृष्ठ पर 38 mm छोड़कर हाशिया, 38 mm छोड़कर 38 mm हाशिया छोड़कर उत्तर लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये वहाँ वो बायां ऊपर नीचे कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ से वो इंडिकेट करता है कि आप बाएँ साइड से कितना छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब वो जो वहाँ लिखा हुआ है जो हाशिया बोलेगा हाशिया, वो सिर्फ डायरेक्ट मतलब करता है इंगित कि ये आपको 38 mm छोड़ना किधर से, बाएँ साइड से, ठीक है। तो ये आपको बाएं साइड से कितना छोड़ना, 38 mm, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि 38 mm आपको हमेशा छोड़ना है। वो अभी आप यहाँ 38 mm छोड़िए अपने क्लास में, अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो निर्देश पढ़िएगा तो वहाँ 38 mm ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी आपको वहाँ पर एक नज़र दौड़ा लेना कि कितना निर्देश बोल रहा है, ठीक है, कितना निर्देश बोल रहा है। और बाकी ये 3 साइड से तो आपको पता ही हो गया कि ये 5 छोड़ेंगे या फिर 10, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको हमेशा छोड़ना है ड्राइंग शीट पर मार्जिन, आपको हमेशा करना है, पहले आंसर देने से पहले आपको मार्जिन लाइन छोड़ना पड़ेगा, हाशिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। और दूसरी बात फिर क्या करेंगे, टाइटल ब्लॉक का जहाँ तक सवाल है तो आपको बताए थे कि अगर ड्राइंग शीट पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्राइंग शीट पर क्या कीजिएगा, ड्राइंग शीट पर नीचे, ठीक है, ड्राइंग शीट पर नीचे और दाएँ साइड, ठीक है। ड्राइंग शीट पर नीचे, देखिए नीचे आए हम, और नीचे किधर, दाएँ साइड पर, ठीक है, बाएँ नहीं दाएँ साइड, दाएँ साइड पर क्या करना है आपको, टाइटल ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब क्या टाइटल ब्लॉक क्या होता है कि टाइटल ब्लॉक भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। एक ISI के हिसाब से अगर टाइटल देखा जाए तो उसका डायमेंशन अलग होता है, ठीक है। फिर क्लास के हिसाब से अगर डायमेंशन देखिए, हम जो ITI में हम जो अपने जिस समय हम अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है हमको टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम टाइटल ब्लॉक बनाएंगे क्लास के हिसाब से ही बनाएं, हो सकता है कि टाइटल ब्लॉक आपके टीचर कुछ दूसरा बताए होंगे, हम यहाँ कुछ दूसरे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास वाला जो टाइटल होता है, ठीक है, क्लास वाला जो टाइटल होता है उसमें उसका बहुत तरह का टाइटल होता है, ठीक है। कोई यूज कर लेता है, कोई टीचर कोई दूसरा पढ़ा देता है। तो ये नहीं कि हम यहाँ जो पढ़ाएं वो गलत है या आपके जो टीचर पढ़ाएं वो गलत है, ठीक है। दोनों मतलब क्या सही है। ठीक है, अगर हम ISI के द्वारा जो रिकमेंडेड है टाइटल ब्लॉक, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो एक सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा ऑल इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये क्लास वाला टाइटल ब्लॉक अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्लास वाला टाइटल आपके बुक में भी मतलब बहुत सारा बुक अलग अलग टाइटल ब्लॉक लिखता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऐसा छोड़े हैं, अगर आपके सर कुछ दूसरा बताए हैं तो सर का भी ठीक है और मेरा भी ठीक है। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे होता है कि टाइटल ब्लॉक तो आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब उनका ये सवाल था कि ग्राफ को एक बार फिर से बताया जाए। ठीक है, ऑलरेडी हम आपको पिछले क्लास में ग्राफ को बताए थे। ठीक है, इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, लेकिन एक तौर पर हम रिवीजन के तौर पर आपको फिर से बता दें। देखिए क्या करना है, तो हम ये जान रहे हैं कि कोई भी लेटर को लेकर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, हम बताए थे आपको कि कोई भी लेटर को लिखिएगा तो उसके लिए तीन चीज़ चाहिए, हाइट चाहिए, चौड़ाई चाहिए और मोटाई चाहिए। ठीक है, तभी हम उस लेटर को लिख पाएंगे। ठीक है, तो हाइट, अब देखिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि आज ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रोक में हम लोग इंक्लाइन में लिखना है। ठीक है, किसमें, इंक्लाइन में। देखिए आप देख पा रहे हैं, आप इंक्लाइन मतलब तिरछी में आपको क्या लिखना है, ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है, हम बताए थे आपको कि लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ग्राफ विधि द्वारा, दूसरा दो सहायक लाइन के द्वारा। तो हम लोग ग्राफ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें को इंक्लाइन में लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है हमको। ठीक है, अगर आपको ए से लेकर जेड तक लेटर लिखने के लिए आता है तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि ए से लेकर जेड तक ही कैपिटल लेटर से ही कोई वर्ड बनेगा, कोई सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आप ये जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाता है तो आप कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन देगा वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे फिर। और देखिए यहाँ पर जो लेटर की हाइट दिया हुआ है वो 40 mm है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे आप, लेटर की हाइट कितना दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है। और आपको ये पता ही है कि लेटर का जो हाइट और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 7:4 होता है। अगर हाइट दिया हुआ है तो हम चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, और थिकनेस तो हमेशा कांस्टेंट है कि आपके क्वेश्चन में थिकनेस दिया हुआ रहेगा। आप एक नजर डालिए यहाँ पे, स्ट्रोक क्या बोल रहा है, थिकनेस, तो सिंगल स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक, इसका थिकनेस दिया हुआ है। सिंगल स्ट्रोक का मतलब यह कि कोई भी लेटर है तो कोई भी अगर लेटर को हम सिर्फ एक बार, जैसे हम ये लिखें तो ये हमारा सिंगल स्ट्रोक हो गया। अगर इसी को हम अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डबल स्ट्रोक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा डबल, मतलब कि ऐसे लिखेंगे इसको। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ये और आप ऐसे अगर हम लेटर को लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डबल स्ट्रोक। इसी को बोलते हैं डबल स्ट्रोक और ये सिंगल स्ट्रोक। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया रहेगा, कांस्टेंट है ये, कि अगर लेटर से कोई भी क्वेश्चन आता है, लेटर या नंबर में, तो उसमें क्या होता है कि तीन चीज़ में क्या होता है, दो चीज़ हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, या तो वो हाइट दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब हाइट या तो चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, और उसमें एक कांस्टेंट है कि आपका थिकनेस हमेशा दिया हुआ रहेगा, या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रोक में। हम बात करें सिंगल स्ट्रोक पे, ठीक है, डबल स्ट्रोक में बाद में बात करेंगे। तो देखिए अब तो 40 mm की हाइट में हमको लेटर को लिखना है। तो सवाल ये है कि अब हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दें, ग्राफ बताने के लिए आपको मैं पहले बता दिए थे। तो देखिए आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, सेट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए ग्राफ को कैसे हम, चूँकि हम पहले से ग्राफ बना दिए हैं, क्योंकि अगर हम ग्राफ आपको बना, हम आपको ग्राफ बना के आपको पहले ही दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए ग्राफ को बनाने क्या करना होगा, सबसे पहले आप सेट स्क्वायर चला के बेस लाइन को ले लेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से, मान लीजिए हम एक बेस लाइन ले लिए। अब बेस लाइन आपको सेट स्क्वायर चला के बेस लाइन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सेट स्क्वायर चलाने नहीं आता तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो देखिए जब एक हम बेस लाइन ले लेंगे तो बेस लाइन लेने के बाद क्या करना, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ये 75 डिग्री बनाना था, तो मान लीजिए हम इस पॉइंट से 75 पे करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है, क्योंकि इंक्लाइन बोल रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देखिए, इंक्लाइन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, इंक्लाइन बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, इंक्लाइन बोलेगा। तो हमको बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहे, एंगल इंक्लाइन देगा तो एंगल देना चाहिए, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो वो 75 डिग्री ही आप समझेंगे। ठीक है, 75 डिग्री कभी लिख भी देता है, 75 कभी नहीं भी लिखेगा, तो इंक्लाइन देगा तो आपको 75 ही समझना है। ठीक है, ऐसे तो वो 65 वो भी होता है, 7 डिग्री में उसको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम आपको बताते हैं 75 ही करना। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा जो कोण होगा, ये 75 में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब बेस लाइन आप ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे। देखिए हमारा सेट स्क्वायर, यह सेट स्क्वायर का ये प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लगाएं। ध्यान से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये पॉइंट जो हम यहाँ पे लगाए, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट दिखा रहा है यहाँ से, कि हम इस पॉइंट से लेना, चुके देखिए हमारा ये 75, देखिए ये हमारा जो लाइनिंग खींचा हुआ है ये हमारा जो लाइनिंग खींचा हुआ अंदर वाला, ये वाला हमारा लाइनिंग खींचा हुआ 75 पे पहले से हम खींच के रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 75 पे खींच देना है, ठीक है। 75 पे खींच देना है तो ये क्या होगा, 75 पे आप पॉइंट मारिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा 75 पे खींचा हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ नीचे तक भी गला 75 पे खींचा हुआ है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये लाइनिंग पे क्या करना है आपको, 40 mm की हाइट में लेटर लिखना है ना, 40 mm की हाइट में लेटर लिखना है आपको, ठीक है। तो 40 mm की हाइट में अगर आपको लेटर लिखना है तो फिर क्या करना है, इसका नाप ले लेना है, ठीक है। वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से नापेंगे और 40 mm पे यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस अब 40 mm को क्या करना पड़ता है, हमको 7 बराबर भागों में बांटना पड़ता है। क्यों बांटना पड़ता है, तो बताए थे कि सिंगल स्ट्रोक का जो हाइट एंड चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 7:4 होता है, इसलिए हाइट को 7:5 में बांटते हैं और चौड़ाई को 4:5 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से क्या करना होगा आपको, अब इस पॉइंट से क्या करना होगा, अगर आपको 30 डिग्री पर कोण खींचना होगा, आपको बताए थे कि इस पॉइंट से कितना पे खींचना होगा, इधर इस पॉइंट पे 30 डिग्री कोण कैसे खींचिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ बेस लाइन पे लगाइए ये वाला, ठीक है। और ये बताइए ये हमारा 30 डिग्री वाला है कि नहीं, है ना, ये हमारा सर इस पर 30 डिग्री वाला है। तो इस पॉइंट से रखेंगे और इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से रख के हम लोग इधर आपका 30 डिग्री पर खींच देते हैं, यहाँ पर हम खींचेंगे नहीं, ठीक है। ये हम यहाँ से 30 डिग्री इधर खींच देते हैं। जब ये 30 डिग्री पर हम लाइनिंग को खींच दिए तो इस पर क्या करते हैं हम लोग, 60 कट मारते हैं। देखिए हम आपको बताना क्या दे रहे हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं फ्री हैंड, ठीक है। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। उसका नीचे लिंक बता दे देंगे कि आपको वर्टिकल ग्राफ हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ये हमारा एक डिमांड था लड़के का, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिमांड पर ही आपका, अगर आपका आंसर नहीं देंगे तो आप लोग बोलेगा कि कमेंट करते हैं सर आपका कुछ रिप्लाई नहीं आता है, आप बताते नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हम यहाँ पे क्या बोले कि ये हमारा यहाँ से 75 डिग्री पे खींच लिए, ये हमारा बेस लाइन था, ये हमारा 75 डिग्री पे को खींच लिए। और आपको क्या बोले कि इस पॉइंट से क्या करना, आपको 30 डिग्री के कोण पे इधर खींच देना है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या बोले कि ये 40 mm था, जहाँ पे हम 40 इस पर हम मार्किंग कर लिए, इस पर 40 mm, चूँकि हमारा 40 mm के हाइट में लेटर को लिखना है यहाँ पे। और इस पर क्या करना है, ये 30 डिग्री पर जो लाइनिंग को खींचे, इस पर क्या करना है आपको, आपके पास ये होगा, ये हमारा, ये देखिए हमारा डिवाइडर है, ठीक है, डिवाइडर जिसको बोलते हैं मतलब विभाजक। और इसके बाद क्या करना है आपको, इस पर आप अपने मन से कोई दूरी फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए हम इतना दूरी को फिक्स कर लिए, ठीक है, इतना दूरी को हम क्या कर लिए फिक्स, नापना अपना कुछ नहीं, इतना दूरी आप फिक्स कीजिए, कांस्टेंट हिलना चाहिए। और इस पर रख के क्या करना है, चूँकि लंबाई को 7 बराबर भागों में बांटना था, इस पर आप 7 कट मार दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह यहाँ से क्या कीजिए आप 7 कट मार दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा 7, इससे क्या किए हम 7 कट मारे, 7 कट मान लीजिए हमारा, हमारे इस तरह का 7 कट, 7वां पॉइंट जो आएगा, 7वां पॉइंट से क्या करना है आपको, फिर 7वां पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट और ये 40 हम जो नापे थे, ठीक है, ये 40 पॉइंट जो आप नापे थे, इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। और इसी के पैरेलल में, ठीक है, इसी के पैरेलल में क्या करना है, इसी के पैरेलल में लगा के सेट स्क्वायर चलना, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7, मान लीजिए 30 डिग्री पे खींचे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, उस पॉइंट को पैरेलल लिए और पैरेलल लेते हुए क्या करना, हमको सेट स्क्वायर को चलाते जाना है, ठीक है। इसको कांस्टेंट करना, ये वाला लगा के यहाँ से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट लास्ट में मिलाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे इस पॉइंट पे, जो देखेंगे कट जहाँ लगा था तो वहाँ पॉइंट क्या करेगा, इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट अपने आप क्रिएट कर देगा, यहाँ पर पॉइंट खींचेंगे तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा। उसी तरह यहाँ से 7 लगाए थे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और जब आप 7 पॉइंट को जब नापिएगा, जब ये दूरी आप अगर आप नापिएगा यहाँ से, ठीक है, तो वो दूरी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपस में क्या होगा, वो दूरी बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए आप अगर 40 mm को 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो कितना होगा, तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं कि 40 को अगर हम 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 7 बराबर भागों में अगर बांटेगा कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये 35 हो जाएगा, यहाँ होगा ना, तो 7 बचे 35 हुआ, 10 में 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ ये हो गया, यहाँ पॉइंट लगाते हैं हम, यहाँ पे 0 7 7 49, मतलब 5.7, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 5.7 पे अपने आप चला जाएगा, ठीक है। 5.7 पे क्या हो जाएगा, ये दूरी अपने 5.7 पे अपने आप चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, किसी भी दी गई लंबाई, हाइट, चौड़ाई को बराबर भागों में बांटना, ठीक है। 7 बराबर भागों में बांटना, जितना बराबर भागों में बांटना उसको इस विधि से हम बांट सकते हैं, ठीक है। 7 बराबर भागों में बांटना तो 7 कट लगाएंगे, 30 डिग्री कोण खींच के, ठीक है। तो उस तरह क्या होगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा। फिर इस पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को एक दूरी को लेते हैं, उसके बाद प्यार क्या करते हैं, ये हमारा जो था ये हमारा बेस लाइन, इस पर क्या करते हैं, इस पर कट मार देते हैं, कट इसी तरह कट मारते जहाँ तक ले जाना है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब हमारा ये कट बन जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, ये अपना सेट स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये हमारा 75 डिग्री वाला हम ये यहाँ पे लगाते हैं, ये लगाते हैं यहाँ पे, और इसी के पैरेलल में हम चलते जाते हैं। इसी के पैरेलल में हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट को हम देखेंगे और ये पॉइंट्स यहाँ मिला देंगे, चलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, चलते जाएगा। ये हिलना नहीं चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिलना नहीं चाहिए, जिसको मेरा उंगली चल रहा है, ये हिलेगा तो फिर दौड़ा जाएगा। फिर उसी तक कट मारते 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 इस तरह आप चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या कीजिएगा, अब फिर मान लीजिए हमारा लेटर, देखिए अब हमारा यहाँ तक मान लीजिए हमारा ग्राफ बना, लेकिन यहाँ तक मेरा लेटर खत्म हो गया। जैसे कि मान के चलिए लेटर खत्म नहीं हुआ है, जगह खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ A B C लिखे और हमारा यहाँ तक क्या हो गया, हमारा यहाँ ये हमारा हो गया मार्जिन लाइन, ठीक है। अब इसके बाद मेरा जगह ही नहीं है, तो आप फिर क्या कीजिएगा, आपको लिखना है Z तक। तो आप फिर D कहाँ, D अगर मान लीजिए D तक यहाँ लिखिए, आप E कहाँ लिखना होगा आपको, तो E लिखने के लिए आप नीचे लिखिएगा ना, तो नीचे फिर आपको ग्राफ बनाना होगा। तो आपको ग्राफ यहीं बनाए, उसके नीचे फिर ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि एक आधार रेखा के बाद फिर दूसरा एक आधार रेखा खींचना है, तो इसकी बीच की दूरी कितना लेना है, तो 10 एम लेना है, या फिर लेटर का जो हाइट होगा उतना ले सकते हैं, या फिर आप सूत्र 20/H, ठीक है, 20/7, ठीक है। दूरी आप क्या ले सकते हैं, 10 एम ले सकते हैं, या फिर लेटर का जो हाइट दिया वो ले सकते हैं, या फिर आप सूत्र 20/7H ले सकते हैं। इस तीनों में से कोई ले सकते हो, तो यहाँ पर हमने 10 लिया हुआ है, ठीक है। तो 10 एम फिर क्या करना है आपको, 10 एम देखिए ये दूरी हमने 75 डिग्री पे था हमारा, यहाँ पे लगाए और यहाँ से क्या कर दिया हम, एक लाइन खींच देंगे 75 डिग्री से ही चला जाएगा। उसके बाद 10 एम पे पॉइंट मार देना है, ठीक है। इधर भी कहीं एक पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी ग्राफ का, यहाँ पे 10 पे मार दीजिए, ठीक है। और इसको खींच दीजिए, ये बेस लाइन, ठीक है। देखिए एक ही बार करना है, जब 30 डिग्री खींचना है, आप दोबारा बराबर आने के हम 30 डिग्री नहीं खींचेंगे, इधर ये 7 बार हम नहीं बांटेंगे, इसी के पैरेलल में चल जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं से खींचे, फिर ये बराबर ये दूरी इसको ले लीजिएगा, इस पर कट मार दीजिएगा 7, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इसे लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए इसके पैरेलल में जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट मारे हैं आप, अभी मारे पॉइंट इस पे पॉइंट मारे, या पॉइंट इस पे देखिए, इस पे पॉइंट आप नहीं भी मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम पैरेलल लगाए और ये देखिए ये हम यहाँ से देखेंगे, हम ये वाला, ये हमारा पहले खींचा हुआ है ना, ये इसको यहाँ पे देखिए, ये हम सटाए यहाँ, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप यहाँ बराबर कर देगा। उसी तरह उसको हम देखेंगे, और ये हमारा हिलना नीचे, ये हमारा सेट स्क्वायर हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये वाला हमारा सेट स्क्वायर हिलना नहीं, जिसको हम पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है, इसको लगा के। उसके बाद कट मारते जाएंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा, फिर उसी तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको पूरा देख समझना है, ठीक है, तो आप उसका लिंक इस वीडियो के नीचे देंगे, क्योंकि यहाँ पहले हम ये ऑलरेडी हम पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, A से लेकर Z तक लेटर को लिखने के लिए, ठीक है। और ये A से लेटर Z आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिए हम वर्टिकल ग्राफ में, ठीक है। बस जस्ट उसी जो नियम वहाँ पे बताए थे वही नियम यहाँ पे भी है, लेकिन आप लोग का डिमांड है लड़के का, तो चलिए बताना ही पड़ेगा फिर से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब सवाल है कि ए हम, अब देखिए यहाँ जो ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के लिए आप कौन सा पेंसिल यूज़ कीजिएगा, तो आपको बताए भी होंगे सर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप यूज़ कीजिएगा, कौन सा यूज़ कीजिएगा, 2H का कीजिएगा, ठीक है। 2H पेंसिल, 2H पेंसिल समझ रहे हैं ना, 2H पेंसिल से आपको ये ग्राफ खींचना है, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा ग्राफ खींचना है, ठीक है। लाइट होना चाहिए, मतलब पता सिर्फ ग्राफ में सिर्फ कोई पता चले, हल्का हल्का दिखाई पड़े, ये नहीं ज़्यादा मोटा खींचेंगे, ठीक है। आपको देखिए हल्का दिखाई भी पड़ रहा होगा। और लिख पेंसिल में आप जो लिखिएगा, लिखने के लिए आपको कौन सा पेंसिल चाहिए, तो लिखने के लिए आपको चाहिए HB पेंसिल, ठीक है, HB का पेंसिल चाहिए, या फिर आप H का भी लिख सकते हैं, HB के लेटर जो लिखेंगे HB से, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल पेंसिल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पेन यूज करेंगे, इसलिए पेन यूज करेंगे, रेड पेन हम यहाँ पे यूज करेंगे कि चूँकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि हम यहाँ पे क्या ऐसा लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई दे। पेंसिल्स दिखाएंगे तो बिल्कुल ये ग्राफ के तरह मिल जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लेटर्स जो लिखेंगे वो कलम से लिखेंगे, आपको जो लिखना है वो HB या फिर H पेंसिल से लिखना है, चलिए, ठीक है। तो देखिए A लिखने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता ही है कि ये 7 भाग में इसको हम बांट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि 7 क्या है, 4 क्या है, तो तब तो आपको स्टार्टिंग से हमारा देखना होगा, ठीक है। हमारा प्ले लिस्ट में जाके स्टार्टिंग से देखिए लेटर क्या है, इसका क्या यूज है, सिंगल स्ट्रोक क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से जाइए। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 7 ये 7 भागों में बांट ही दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए लेटर क्या चाहिए, 4 चाहिए, मतलब चौड़ाई कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 बॉक्स, 1 2 3 4, हाँ। और एक बात आपको बता दें कि ये जो भी यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए जो भी लेटर का ये जो बॉक्स बन रहा है, एक बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स का बनना चाहिए स्क्वायर, बनना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर समझ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा खुद बना के। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब चार, एक दो तीन चार, चार बॉक्स लीजिए और वहाँ पे हल्का सा लाइनिंग कर दीजिए, ठीक है। हम चार से ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। अब देखिए ए लिखना है तो ए लिखिएगा कैसे, तो ए सिंपल आप कैसे लिखते हैं, ये तो आप लिखते हैं ऐसे ना, ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना ये ऐसे, उसी तरह ए लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये चार हो गया तो आप इधर से एक दो, दूसरा बॉक्स के आप क्या कीजिए, दूसरा बॉक्स के आप ऊपर जाइए, एक दो, दूसरा बॉक्स के ऊपर में यहाँ पे पॉइंट मार दीजिए। और ये देखिए ये हमारा ये पॉइंट, और चौथा कहाँ गया, एक दो तीन चार यहाँ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस आपस को सिर्फ इसको मिला देना है। देखिए कैसे मिलाएंगे इसको, बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और देखिए और यहाँ से हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे क्या किए, इसको हम मिला दिए, यहाँ से वहाँ, उसको यहाँ और वहाँ से मिलाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब देखिए ये हम कर लिए, लेकिन ए में अब ये कहाँ देना है, तो आपको पता है ये कहाँ दीजिएगा, नीचे से एक दो तीन, तीसरा बॉक्स, एक दो, तीसरा बॉक्स का ये देख लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाला लाइनिंग, ठीक है। तो तीसरा बॉक्स का लाइनिंग पे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे आपको देख लीजिए क्या क्या हम किए, यहाँ पे बढ़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा ए हो गया, देखिए हम क्या बोले कि हाइट क्या ले, तो देखिए ये तो हम ऑलरेडी हम 7 बॉक्स में बांट ही दिए हैं इसको। और चौड़ाई देखिए 4 लेना है, एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स चार बॉक्स, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स चार बॉक्स लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले आपको, दो एक दो, दूसरा बॉक्स में यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इधर से भी दूसरा एक दो, दूसरा बॉक्स के लाइनिंग पे लगाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए, और नीचे से इसको कहाँ पे खींचे, एक दो तीन, तीसरा बॉक्स का जो लाइनिंग होगा ना, उस लाइनिंग को टच कर देना। तो ये हमारा कंप्लीट ए बन गया, ठीक है। अब देखिए बी बनाने के क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग लेटर को मान लीजिए हम ए लिखे, उसके बाद बी जो लिखते हैं सटा के नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो स्पेस छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ेंगे। तो यहाँ पे स्पेस हम एक बॉक्स को ही छोड़ेंगे, ठीक है, पूरा एक बॉक्स, ये हमारा पूरा एक बॉक्स ये छूट जाएगा। उसके बाद हम बी लिखते हैं, देखिए बी कैसे लिखेगा, तो सिंपल है, बी लिखने के लिए क्या कैसे लिखेगा बी, तो ये एक बॉक्स को छोड़े। उसके बाद बी लिखने के लिए क्या करना होगा, पूरा इसको मिलाइए, ये पूरा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हम लाइनिंग कर दिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, चौड़ाई के लिए फिर क्या करना है, चार बॉक्स लेना है, एक दो तीन चार, ठीक है। चार में हल्का यहाँ पॉइंट मार दीजिए, हमको यहाँ तक लेना है, यहाँ के एक दो तीन चार, ठीक है। देखिए लड़के को इसी में दिक्कत होता है कि ये वर्टिकल में आसान था, 90 डिग्री में रहा था, लेकिन ये तो टेढ़ा है 75 डिग्री पे, तो लड़का कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम बता भी रहे थे, नहीं तो हम ये बताने वाले नहीं थे, हम ऑलरेडी बता ही दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से कंप्लीट तीन बॉक्स, देखिए हम ये बोलेंगे ये एक बॉक्स का ये हम लंबाई या चौड़ाई बोलेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे तीन बॉक्स जाना आपको, एक दो तीन, तीन बॉक्स तक ही लाइन को खींचना है, ठीक है, तीन बॉक्स तक लाइन को खींचना है, चार तक नहीं खींचना है। तो देखिए तीन तक हम खींच देते हैं, तो ये हमारा हो गया तीन तक, देखिए हम तीन तक खींच दिए, चार तक, चार हमारा यहाँ तक नहीं गया, तीन तक खींचना है आपको, ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या करेंगे, नीचे भी वही करना है, नीचे भी करना है आपको तीन बॉक्स तक ही, ध्यान रहे नीचे भी करना है आपको, नीचे भी आपको तीन बॉक्स में करना है, एक दो तीन, चौथा हमारा यहाँ था, हम तीन बॉक्स तक इसको किए, ठीक है, क्योंकि आपको ये तीन बॉक्स तक ही करना है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए बी जब लिखते हैं, ये बी लिखे ना, तो बी जैसे आप ये लिखे, ये हम ये किए, अब इसके बाद ये हम मोल्ड करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ध्यान रखिए ये ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है। देखिए अब ये कहाँ देंगे हम, देखिए ये कहाँ देंगे, ऊपर से, चलिए ऊपर से, ठीक है, ऊपर से एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स, तीसरा बॉक्स में चलना है आपको, तीसरा बॉक्स में आना है, तीसरा बॉक्स में, और तीसरा बॉक्स में कहाँ जाना है, तीन बॉक्स तक चौड़ाई में, तीन बॉक्स तक चौड़ाई में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम तीन बॉक्स तक चौड़ाई में चल दिए, ठीक है, तीन बॉक्स तक चौड़ाई में चल दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो इसको हम मोड़ेंगे बी का, ये इसके लिए हमको मास्टर सर्किल लेना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला चौथा लाइन में टच करते हुए इसको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। अब देखिए कौन सा ये आपका मास्टर सर्किल, इस टच करते हुए इसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ये लाइन साइड टच कर जाएगा, देखिए इसमें कौन सा आप लाइन यहाँ टच करेगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला टच नहीं कर रहा, ये हमारा साइड टच कर जाएगा, हाँ ये हमारा क्या होगा लाइनिंग टच कर जाएगा, ठीक है, ये हमारा लाइनिंग टच करेगा। तो चलिए इसको हम टच करवा देते हैं, भाग रहा है थोड़ा सा, ये भाग रहा है, ये वाला लगेगा, ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से घुराना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया हम, गौर से देखिए इसको क्या किए हम, इसको टच करते हुए यहाँ पे क्या किए, इस दोनों को टच करते हुए जो यहाँ पे सेट किया और ये चौथा लाइन में टच करते हुए इसको यहाँ पे खींच दिए। अब देखिए ऊपर वाला करेंगे क्या, ऊपर वाला जो है आपका ये चौथा लाइन में टच नहीं करेगा, जैसा कि आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो है आपका ये चौथा लाइन में टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो इसमें टच नहीं करेगा, मतलब ये नीचे वाला से ऊपर वाला थोड़ा सा ये छोटा होगा इसका ये कर्व, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ पे जो जोन सा ये आपका मास्टर सर्किल से जोन सा ब्रिज से ये मिल जाएगा, ठीक है, उसी से इसको हम मिला लेंगे। तो देखें कौन सा मिल रहा है, ये तो थोड़ा सा छोटा ज़्यादा, देखिए ये मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ये मेरा आराम से मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं मिल रहा है, ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये वाला मिलेगा, जोन से देखिए आराम से देखिएगा, जोन सा मिलेगा वही मिलाना है आपको, ये नहीं कि गलत हो जाए, ठीक है, गलत आपको नहीं करना है, आपका जोन सा मिले वही वाला मिलाइएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा आराम से मिल रहा है, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टच करके आपको जो करना है थोड़ा सा इधर ही करना है, इसमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिएगा कि ये तीन बॉक्स की जगह पर आप दो ही बॉक्स लीजिएगा तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारा ए बन गया, बी हो गया। उसके बाद कि सी कैसे लिखेंगे, तो सी लिखने के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर हम लोग सी जो लिखेंगे ना, सी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे 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 सी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए सी कैसे लिखेगा, फिर आपको एक बॉक्स को छोड़ देना है पूरा, उसके बाद देखिए ये हमारा सी लिखेंगे। देखिए आपका कितना, तो आपका टोटल 7 बॉक्स है, तो ऊपर से क्या करना है आपको, ऊपर से एक बॉक्स की लंबाई को छोड़ देना है और नीचे से एक बॉक्स की लंबाई को छोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह एक बॉक्स की लंबाई को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये वाला चौड़ाई में फिर 4 बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स में क्या करना है आपको, 3 बॉक्स ही लेना है और दो, आप यहाँ पे क्या कीजिए ना, 2 ही बॉक्स को लीजिए, ठीक है, 2 ही बॉक्स को लेना है, एक दो मतलब एक बॉक्स जैसे छोड़ दीजिए, एक बॉक्स जैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हमारा ये आगे बढ़ गया, दिखा आपको पता नहीं, नीचे देखिए आपको क्या करना है, 2 बॉक्स को लेना है, देखिए 2 बॉक्स को लेना है आपको, एक बॉक्स उधर से छोड़ दीजिए चौड़ाई में और एक बॉक्स को इधर से छोड़ दीजिए चौड़ाई में। हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, क्या हम आपको बता रहे हैं बॉक्स क्या, ठीक है, देखिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि देखिए चौड़ाई में क्या हो गया, 1 2 3 4 बॉक्स लीजिएगा, तो 1 2 3 4 बॉक्स लीजिए, तो एक बॉक्स इधर से छोड़ देना है और एक बॉक्स इधर से छोड़ देना है, तो बीच में 2 बॉक्स खींचना है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो इधर से भी एक बॉक्स को छोड़ देंगे और इधर से भी एक बॉक्स को छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा लाइनिंग यहीं तक आना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ठीक है, तो हम यहाँ तो मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैनेज कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जोन सा ये सेट करेगा, जोन सा वाला ये सेट करेगा इस दोनों पॉइंट को और इस दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये वाला सेट करेगा नहीं, ये वाला सेट कर जाएगा आराम से, तो ये वाला हम इस पर सेट कर देंगे, तो ये वाला हमारा सेट किया इस पर, ये वाला हमारा इस पर सेट कर गया, ठीक है। ये वाला देखिए हम मैनेज कर दिए उसको, ठीक है। मैनेज करने का भी आपके पास एक कला होना चाहिए, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा सा अगर 19 मिनट से होता है तो हम उसको मैनेज कर देते हैं, मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करना मतलब चलाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वो ऊपर गया था तो इसको मैनेज कर दिए, देखिए पकड़ में भी नहीं आ रहा, देखिए। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, इसको मिला देना है, ये हम इसको मिला दिए, देखिए ये हमारा बन गया। और ध्यान रहे कि आप जो ये यूज कर रहे हैं, एक बात आपको बताना भूल गए कि जोन सा ये आपने यूज़ किया वही नीचे यूज करेंगे वही ऊपर करेंगे, ठीक है, तब आपका एक रन लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सी देखिए ऐसा लगने लगा, अब देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 4 तो यहाँ तक है ना, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको मिला देना, ये इसको यहाँ मिला देना और इसको यहाँ पे मिला देना। ये कैसे मिलाएंगे, जोन सा ये सेट कर रहा है, ये देखिए ये हमारा सेट कर जाएगा, तो नहीं ये सेट करेगा। ये क्या किए हम, इस पॉइंट से इसको रखेंगे और ये हमारा ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये वाला देखिए थोड़ा सा ये कर दें हम, जोन सा ये लगेगा वो इस पर आप कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा क्या हो गया, सी। अब चलिए हम लोग डी बनाते हैं। डी कैसे बनाएंगे, डी बनाने के लिए फिर सिंपल है, आप क्या करेंगे, देखिए डी जो हम यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, जो आप लोग जैसा डी लिखते हैं उससे थोड़ा सा हट के डी लिखेंगे। देखिए डी लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और ये ऐसे रहेगा हमारा, और इस पे इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा डी बनेगा, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं बना के, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या करना है, एक बॉक्स को कंप्लीट छोड़ देना है, उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या करना है, तो ये हमारा इस पर लाइनिंग खींच दिए पूरा, ठीक है, ये लाइनिंग खींच दिए। उसके बाद क्या करना है, ये वाला पे चौड़ाई 4 लीजिएगा, 1 2 3 4, लेकिन आपको क्या करना है, 4 तक नहीं खींचना, आपको 3 तक ही खींचना है। तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट हम 3 तक ही खींचेंगे, नीचे भी खींचेंगे, ऊपर भी वही करेंगे, नीचे भी हम 3 तक ही चौड़ाई में खींचेंगे, 3 ग्राफ की चौड़ाई तक या लंबाई, ठीक है, चूँकि स्क्वायर है तो लंबाई चौड़ाई बराबर है आपस में, ठीक है। ये हमारा कुछ कर दिए, 4 हमारा यहाँ तक था, 4 हमारा यहाँ तक था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 तक इसको खींचे। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करना है, ये चौथा लाइन ये था, तो आपको ऊपर से इधर एक छोड़ देना है और ऊपर से एक छोड़ देना है, नीचे से भी एक छोड़ देना है, ऊपर से भी, कंप्लीट पूरा लंबाई को खींच देना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 5 है तो हम 7 है तो हम 5 लंबाई खींचेंगे, 5 ग्राफ का लंबाई और 2 ग्राफ का लंबाई छोड़ देंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। देखिए इस रूप में खींच लिए, समझ पा रहे हैं ना लंबाई चौड़ाई क्या बोल रहे हैं ग्राफ का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, उस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला देना है। तो जोन से यहाँ पे सेट करेगा वो रख के इस पर क्या कीजिए, आप आराम से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा सेट करेगा, जोन सा सेट देखिए, इसको थोड़ा सा हम घुमाते हैं, देखिए अपने सुविधा के हिसाब से कि हमको कैसा देखने में, आपको दिखाने में अच्छा रहेगा और हमको यहाँ खींचने में अच्छा रहेगा। देखिए ये हमारा इस पर सेट कट रहेगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको बस कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे मिला दिए और ये भी हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, ये वाला हम सेट किया था ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे सेट था, तो ये वाला हम इस पर इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा डी बन गया, ठीक है। अब लग रहा है डी की तरह, ठीक है, डी आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है, मतलब लेटर ना थोड़ा सा स्टाइल में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी कंप्लीट, डी हो गया हमारा, ई लिखेंगे आगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ई हमारा देखिए आगे करेंगे, ई लिखेंगे, क्या करेंगे पूरा, फिर ये छोड़ेंगे पूरा, ये कंप्लीट लिखेंगे ई, बहुत सिंपल है ई लिखना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर 4 बॉक्स लेना है चौड़ाई में, इधर हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 4 लेना है। तो ये हम ले लिए यहाँ से 4, ये लिए हम 4, ठीक है। फिर देखिए ये हम यहाँ पे क्या किए, 4 ले लिए, ठीक है। ये हम क्या किए यहाँ पे 4 ले लिए। अब देखिए ई में कहाँ डालेंगे, बीच वाला, तो ऊपर से 1 2 3, देख पा रहे हैं आप, तीसरा बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स, 3 बॉक्स का ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग देखिए, ये लाइनिंग पे हमको खींचना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो रहेगा 3 तक ही जाएगा, मतलब बीच वाला क्या होता है, इस दोनों से छोटा होता है, ठीक है। तो तीसरा पीएम खींचेंगे, ये हुआ ये, ठीक है। देखिए क्या कि बताएं, देखिए ये हम लिए थे 4 तक, लेकिन इसको हम 3 तक लेंगे, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आप ये लिखते हैं ना, तो ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन ये बीच वाला जो रहेगा थोड़ा सा इस दोनों से छोटा रहेगा, अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, ये हम 4 तक लिए और ये लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए ऐप कैसे लिखेंगे, तो 1 बॉक्स को पूरा ये छोड़ देंगे, ठीक है। एक बॉक्स वो पूरा छोड़ेंगे, उसके बाद ये ऐप लिखना होगा, क्या करेंगे ऐप, फिर ई की तरह ही होगा, नीचे सिर्फ हटा देंगे ई का लाइनिंग हॉरिजॉन्टल तो ऐप बन जाएगा। तो ये देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ से यहाँ इसको मिलाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको लंबाई को मिलाए। उसके बाद देखिए क्या करना है, ऊपर आपको चार बॉक्स जाना है, 1 2 3 4, तो ये हमारा चार बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चार बॉक्स हो गया। फिर नीचे 1 2 3 जैसे ई में लिखे थे वही, तो ई में क्या करना है फिर वही करना है, लेकिन ध्यान रहे कि 3 बॉक्स तक ही रहेगा। ये हमारा कंप्लीट, तो ये हमारा 3 बॉक्स तक ही दिए इसको, ठीक है, ये हमारा ऐप बन गया, मतलब इससे ये छोटा ही रहेगा, ठीक है, एक बॉक्स इधर ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा कहाँ तक था, ये हमारा 4 तक था, ये हमारा 3 तक ही रहा, ठीक है, यही हमको करना है। फिर अब देखिए ई के ऐप के बाद क्या होगा, जी होगा, ठीक है, जी करने के लिए क्या करना होगा हमको, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जी करने के लिए क्या करना होगा। फिर एक बॉक्स को छोड़ेंगे, एक बॉक्स को छोड़े, देखिए जी लिखने के लिए क्या करना होगा, जी लिखने के लिए थोड़ा सा देखिए क्या करना होगा, जी हम कैसे लिखेंगे आपको मैं बता दें, तब आपको समझ में आएगा जी कैसे लिखना है। देखिए आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा जी के कैसे लिखेंगे, जी लिखेंगे देखिए ऐसे, ये जो हम खींचेंगे देखिए ये जी को हम कई भाग में बांटेंगे, देखिए ये देखिए ऊपर से ये करना है, ऐसे करना है, देखिए ये जो हमको खींचना है 3 बॉक्स तक खींचेंगे, इसको भी हम नीचे वाला को भी 3 बॉक्स तक खींचेंगे और इसको हम 5 बॉक्स तक खींचेंगे, ऊपर नीचे से एक छोड़ देंगे, ऊपर से एक छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे इसको, इसको मिला देंगे आपका मास्टर सर्कल के ब्रिज से, जिसको इसको मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, ये हम 3 तक ही लिए हैं तो एक हमारा बॉक्स बच गया है। और ये क्या करना है, यहाँ से इसको एक बॉक्स तक हॉरिजॉन्टल चढ़ा देना है, ठीक है, और उसके बाद फिर करना है इससे एक बॉक्स आगे जाएंगे, उसके बाद ये और ये निकाल देना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ को हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझना है, आराम से अगर एक बार समझिएगा तो ये कुछ तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, टोटल 7 लंबाई है इसमें ना, 7 बॉक्स का, तो आपको ऊपर से एक छोड़ देना है और नीचे से एक छोड़ देना है, तो आपको कंप्लीट कितना खींचना है, तो कंप्लीट खींचना है आपको 5 तक, ठीक है, 5 तक कंप्लीट खींच दिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप 5 तक कंप्लीट खींचे। और आपको क्या बोले इधर करने के लिए, आपको बोले कि आप इधर से एक छोड़ दीजिए, और ये आपकी चौड़ाई कितना, 1 2 3 4, चौड़ाई 4 तक जाएंगे, तो चौड़ाई आप 4 तक ही जाना, लेकिन 3 ही खींचना है, इधर से एक छोड़ देना है, इधर से एक छोड़ दिए। फिर नीचे भी क्या करना है आपको, नीचे आपको क्या करना है, कंप्लीट 2 ही तक छोड़ना है, एक इधर से छोड़ दीजिए, 2 उधर से, एक उधर से और एक उधर से, ठीक है। कहने का मतलब है, बता रहे हैं आपको, एक इधर से हम छोड़ दिए और एक, चूँकि 1 2 3 4 चौड़ाई यहाँ तक आता, तो हम एक इधर से छोड़ दिए, एक इधर से छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कौन सा सेट कर रहा है, ठीक है, देखिए हम इसको आपको घुमा के दिखा रहे हैं, ये आप यहाँ पे कौन सा सेट कर रहा है, ये वाला शायद सेट कर रहा है ना, नहीं ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये वाला करेगा, ये वाला हमारा कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए ये वाला हमारा, देखिए दोनों पॉइंट नहीं मिल रहा है क्या, ये वाला शायद कर जाएगा, देखिए ये वाला थोड़ा सा इसमें ये है, उसके बाद देखिए ये हमारा सेट कर जाएगा, देख पा रहे हैं आपको कैसा कैसे सेट कर रहा है ना, ये हमारा इस सेट कर किया, तो ये हमारा सेट किया, तो इसको बस मिला देना है, ठीक है, ये मिल गया। ध्यान रखिए ये वाला यूज किए हैं, ये वाला हम यूज किए हैं जिसमें उंगली है, तो यही वाला आप सब जगह यूज करेंगे, देखिए ये वाला हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हम यूज करेंगे, तो ये वाला यूज कर रहे हैं, ये वाला हम इस पर यूज किए, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम आपको क्या बोले आगे करने के लिए, कि देखिए ये हमारा 4 तक, तो यहाँ तक था ना, ठीक है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा 4 तक यहाँ तक, 3 ही तक लिए, अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना, ये हमारा पेन है, ठीक है, वहाँ तक उसको मिलाना है, कैसे मिलाइएगा, तो ये वाला हम यूज किए थे, ये वाला किए थे ना, तो ये वाला हम किए थे, तो ये वाला क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाएंगे, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम चले गए, देख पा रहे हैं कैसे किए हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, एक बॉक्स, ये आप देखें एक बॉक्स तक और ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक बॉक्स और ऊपर जाना है, इस पर 75 डिग्री वाला पे, तो यहाँ से हम एक बॉक्स और ऊपर चले गए, ठीक है। अब देखिए एक बॉक्स ऊपर जाने के बाद क्या करना है आपको, ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इस बॉक्स से क्या करेंगे एक आपका यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको अभी हॉरिजॉन्टल जाना है, अंदर जाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कितना जाइएगा तो देखिए कितना बॉक्स अंदर जाना है आपको, तो एक बॉक्स अंदर जाना, ठीक है। कितना देखिए ये जो है ना आपका एक बॉक्स हॉरिजॉन्टल में अंदर जाना है यहाँ से, तो इस पॉइंट से हम एक बॉक्स अंदर चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इसको यहाँ पे सिर्फ नीचे कर देना, ठीक है। इसको बस सटा के नीचे सटा देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जी बन गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जी बन गया, तो इस तरह का जी बना हुआ है। आप चाहें तो आप यहाँ तीन बॉक्स लेके आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा जी हो गया। अब देखिए हमारा क्या बनेगा, जी के बाद एच होगा, ठीक है। देखिए अब एच बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एच कैसे बनाएंगे। तो फिर देखिए एक बॉक्स को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए एच बनाने के लिए सिंपल है, दोनों साइड से खींचिए आप 75 डिग्री पे पहले, तो ये हम 75 पीस को खींचे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 चार पे ले गए और यहाँ पे रख के हम क्या खींचेंगे, एच खींचेंगे ना। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से लाइनिंग हम खींच देते हैं, ठीक है। ये हम कर दिए चार, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए एच जो खींचेंगे वो कहाँ से खींचेंगे, ऊपर से 1 2 3 तीसरा पे, ठीक है। तीसरा समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छा यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 चौथा, 1 2 3 1 2 3 तीन पे इसको खींचिएगा, ठीक है। तीन पे, तीन वाला ग्राफ पे, आपको ग्राफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इस जगह पे, तो 1 2, ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ पे आपको क्या करना है, इसको सिर्फ मिला देना। देखिए टेपर में ना इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा दूसरे तरह का, ठीक है। ये हमारा देखिए एच हो गया, देखिए आपको दिखा रहा है, दिखाई पड़ रहा है एच, ठीक है। तो वो हमारा हो गया एच। एच के बाद क्या लिखेगा, आई। तो हमारा यहाँ पे देखिए स्पेस खत्म हो गया, ठीक है। चाहे तो हम आई यहाँ पे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि देखिए एक बॉक्स को छोड़ेंगे और आई हम इसी पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बॉक्स, जैसे कि यहाँ इसके बाद बॉक्स छोड़े थे, इस पर लिखते थे ना, उसी तरह यहाँ पे हमारा आई हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहते हैं, पहले भी बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझिए। कहाँ हमारा ये कागज़, रफ कोई कागज़ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये रफ कागज़ ले लिए। देखिए हम आपको बताए कि ये जो 7:4 होता है, ये क्या होता है, लेटर का हाइट होता है, और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। मतलब कि लंबाई को, हाइट को 7 बराबर भागों में बांटते हैं, चौड़ाई को 4 बराबर भागों में। तो ये जो होता है ये 22 अल्फ़ाबेट के लिए होता है। मतलब लोग ABCD लिख रहे हैं ना, अपर केस लेटर में ए से लेकर जेड तक, ये 22 लेटर के लिए होता है, ठीक है। उसका 7:4, और बच गया 4 लेटर, बच गया ना 22 7 26 लेटर। तो 26 लेटर में 22 लेटर के लिए नियम है, 4 लेटर कौन कौन बच गया, आई बच गया, आई जे के, आई जे के नहीं, आई जे एम और डब्लू, आई जे एम और डब्लू। तो आई के लिए जो हमारा लेटर का अनुपात होगा वो 7:1 होगा, जे के लिए हमारा जो अनुपात होगा 7:3 होगा, और एम के लिए जो हमारा अनुपात होगा 7:5 होगा। और डब्लू के लिए ध्यान से देखिएगा, डब्लू के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे का जो अनुपात लेते हैं वो हमारा अनुपात लेंगे 7:4, या फिर इसको हम 5 कर सकते हैं, 4 या फिर 5 ले लेंगे। और ऊपर वाला का जो अनुपात होगा डब्लू का, वो हमारा होगा अनुपात कितना, 7:6। मतलब कहने का मतलब है कि डब्लू जो होता है ना, डब्लू थोड़ा सा ऐसे होता है। देखिए डब्लू कैसे होता है, डब्लू ऐसे होता है, मतलब ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फैला रहेगा, नीचे थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हमारा 5 लेंगे चौड़ाई, ये हमारा 6 लेंगे। तो कहने का मतलब हाइट तो देखिए यहाँ भी 7 है, सब में 7 है, लेकिन चौड़ाई में अंतर हो रहा है। यहाँ चौड़ाई में 4 लेना है 22 अल्फ़ाबेट के लिए, और बाकी 4 अल्फ़ाबेट के लिए कौन कौन, आई जे एम डब्लू को। अब याद रखिएगा आई के लिए 1 लेना है, तो 1 चौड़ाई लेंगे ना, ठीक है। तो 1 लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 हमारा यहाँ इस पर आ ही जाएगा आराम से, ये वाला पे, ठीक है। ये वाला पे हमारा क्या होगा, आराम से ये पे इस पर आ जाएगा। तो एक यहाँ इस पर हम आई को खींच देते हैं, यहाँ पर हमारा आई आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आई। और एक बात ध्यान देना है कि आई जो आप लिखेंगे सिर्फ आई को ऐसे ही लिखेंगे, हम आई को ऐसे लिखें और इस पर हम आई को ऐसे ही लिखेंगे सिर्फ ऐसे, ये नहीं कि हम ये करेंगे, ये कीजिएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आई आपको खाली ऐसे करना है, ठीक है। लेटर में जो आप लिखते हैं आई को तो आपको ऐसे लिखना है, ये आई सही है, इस पर ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये करिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ लाइनिंग खींच देना है। तो ये हमारा हो गया एच, ये हमारा हो गया आई। अब उसके बाद जे लिखते हैं। चलिए हम अब देखिए लेटर हमारा ये खत्म हो गया तो फिर हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम ग्राफ पहले से बना लिए, ठीक है। और आप लोग अब बना ही लीजिएगा। अब देखिए जे बनाएंगे नीचे यहाँ से, तो जे के लिए कितना लेना है चौड़ाई, तो 7:3, 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 3, जैसे कि आई के लिए 1 लिए और जे के लिए कितना लेंगे 3, जे के लिए 3 लेना है, ठीक है। जे के लिए 3 लेना है ना, तो चलिए जे के लिए हम लोग कितना लेते हैं, जे के लिए हम लोग 3 लें, ठीक है। 3 लेंगे कैसे, तो देखिए जे बनाइएगा कैसे, जे बनाइएगा ऐसे नहीं बनाइएगा जे, ठीक है। जे ऐसे बनाइएगा, जे पे भी हम ऐसे ही नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा, जे सिर्फ ऐसे कर देना, जे बन जाएगा। तो कि कैसे बनाएंगे, तो इधर से चलते हैं, तो इधर से 3 लेंगे, 1 2 3, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 2 3, तो 1 2 3। अब देखिए क्या करना है, ये 3 पे क्या करना है आपको, नीचे से सिर्फ 1 छोड़ देना है, बाकी आप पूरा लाइन खींच देंगे। नीचे से 1 बॉक्स की लंबाई को छोड़ दें, लंबाई या फिर चौड़ाई बोलिए बॉक्स का, क्योंकि ये बॉक्स स्क्वायर है तो लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि स्क्वायर का एक भुजा भी कर सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा, एक बॉक्स को हम छोड़ दें जैसा कि आपको देख रहे हैं। अब फिर क्या चौड़ाई 3 तो हम ले ही लिए हैं। अब क्या करना है, इसमें भी क्या करना है आपको, एक ही चौड़ाई में क्या करना है, दोनों साइड से एक एक भुजा को छोड़ देना है स्क्वायर का, ठीक है। भुजा इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप, आराम से देखिए, इधर से भी छोड़ दिए, एक हम इसके हाइट में छोड़े और चौड़ाई में भी एक छोड़ दिए, चौड़ाई में इधर भी छोड़ दिए। अब इसको इसको मिला देना है, इसको इसको मिला देना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, देखिए अपने हिसाब से आप ड्राइंग शीट पर आपको जैसे काम लगे उसे ड्राइंग शीट को घुमा सकते हैं, ठीक है, घुमा सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ये हम पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट हमारा सेट कर रहा है, जोन सा पॉइंट सेट करेगा, ये वाला पॉइंट हमारा सेट करेगा बिल्कुल। तो जोन सा पर सेट स्क्वायर सेट करे, ये सेट स्क्वायर नहीं, ये मास्टर सर्किल का जोन सा सर्कल जिसपे बहुत सारा सर्कल कटा हुआ है, मास्टर सर्कल जैसे इसको बोलता है, मास्टर सर्कल, ये मास्टर सर्किल का बहुत सारा इसमें ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको बोलता है मास्टर सर्कल। अब देखिए ये वाला हमारा सेट किया, ये वाला, तो इसी को हम इधर भी लाएंगे। जब एक काम ये किया है तो दूसरा काम भी यही करेगा, तभी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वाला हम मिलाए इसको, इस पॉइंट से क्या करना है, बिल्कुल आराम से, ठीक है, ये हम कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा क्या करना है, जे के लिए एक पॉइंट इसको और आपको आगे लेते जाना, ये इस पर खींच देना आगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे खींच दें, ठीक है। ये हमारा देखिए जे बन गया, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, जे बन गया। अब देखिए जे के बाद क्या लिखना होगा, तो के लिखेंगे, फिर एक बॉक्स को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक बॉक्स को आपको क्या करना है, एक बॉक्स को फिर आपको छोड़ देना है, फिर देखिए आपको के लिखना है ना। तो चलिए एक बॉक्स को हम ये छोड़ दिए, उसके बाद के लिखना है, के लिखने का सिंपल सा फंडा, के को आप क्या कीजिए, बिल्कुल आराम से क्या कीजिए आप, के को ये हमारा हो गया के, ठीक है। अब देखिए के बाद फिर क्या 4 इसको लेना है, इसको जो लेना है 7:4 में लेना है, 1 2 3 4 यहाँ हो गया, फिर ऊपर नाम ले 1 2 3 4 हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए के में क्या करना है, के जो हम लोग लिखेंगे, के ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। हम लोग के जो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, आप लोग के को ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं लिखे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेटर है थोड़ा सा स्टाइल देना पड़ेगा, इसका यही नियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये आपका लिखे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ लिए ना, ये पॉइंट। अब देखिए कहाँ मिलाएंगे, ये सवाल है। तो नीचे देखिए यहाँ से 1 2 3 तीसरा पॉइंट के इस पॉइंट मिलाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करना है आपको मिलाना है। चलिए इसको हम मिलाते हैं, इस पॉइंट पे आराम से इस पॉइंट को मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को देखते हुए। तो देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट को कहाँ मिलाएंगे, देखिए 1 2 3 4 हमारा ये चौथा पॉइंट था, इस पॉइंट को क्या करना है आपका, इस पॉइंट देखिए, ये पॉइंट के देखिए इस पॉइंट पे टच करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, देखिए इस पॉइंट मतलब कि ये वाला जिस पॉइंट पे आपको मिला ना, इससे ऊपर वाला, ये इससे ऊपर वाला ये आपका स्क्वायर का भुजा लीजिए, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है इस वाले भुजा को, ठीक है, इस वाले को, इस वाला को, वहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये हमारा हो गया के। देखिए आपको दिख रहा होगा के इस तरह का बन गया के बाद क्या लिखेंगे एल। एल लिखने के लिए क्या, सिंपल फंडा, ये फिर एक छोड़िए और एल लिख दीजिए। एल तो बिल्कुल आसान है, कैसे देखिए अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे एल लिखने के लिए, तो एल तो बिल्कुल आसान है, जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे लिखेंगे, इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये किए और चौड़ाई में कितना, चार, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ तक आएगा और ये फंडा हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया L। ठीक है, ये हमारा हो गया L। L के बाद क्या होगा, तो L के बाद होगा M। देखिए M के लिए फिर क्या करेंगे, अभी आपको हम बताए थे कि M के लिए जो हम अनुपात लेंगे, कितना लेंगे, 7:5, ये आपको याद रखना है, 7:5। L के लिए कितना लिए, 7:4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक बॉक्स को छोड़िए। अब देखिए M कैसे लेंगे, 5 लेना है ना, तो ठीक है 5 लेते हैं। पहले इसको लंबाई को खींच देते हैं हम, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच लिए, 5 लेना है ना, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये लाइन तक लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये लाइन तक लेना है। ठीक है, चलिए 5 यहाँ तक हम खींच लेते हैं, 5 तक ये रहा। ठीक है, देखिए ये हम क्या किए, यहाँ तक इसको पूरा मिला दिए। ठीक है, ये का एम का भी आधा हिस्सा कर लिए। अब देखिए क्या करना है, एम लिखने के क्या करना है, इसका आधा, देखिए यहाँ से आइए, 1 2 1 2, मतलब ये तो बड़ा 5 है ना, 5 का आधा एक बॉक्स ले लीजिए, 1 2, और इसका बॉक्स लीजिएगा तो आधा बिल्कुल, इसको आप थोड़ा सा नाप भी सकते हैं, तो ये हम अगर नापें तो बिल्कुल इसका आधा कर देना। तो देखिए हमारा आधा हिस्सा ये पूर रहा है, मतलब आधा हिस्सा हमारा यहाँ पे पूर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट हमारे, अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे मिला लेंगे, बस मिलाना तो बिल्कुल आसान है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, तो हमारा क्या होगा, एम बन के रेडी। ठीक है, देखिए हमारा ये एम बन गया। ठीक है, ये हमारा एम बन गया, तो ये हमारा एम बन गया। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, ठीक है, एम के बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, एन लिखे, कैसे लिखेंगे, फिर एक बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर एन लिखना आसान है। ठीक है, या फिर छोड़ देते हैं, देखिए अब हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि आप हमें यहाँ एम तक ही रहने देते हैं। ठीक है, एन क्या होगा, ये हमारा 13 तक कंप्लीट हो गया, ए से लेके एम तक की 13 हो गया। लेकिन पढ़ते हैं ना, एम की संख्या कितनी होती है, एम का न्यूमेरिकल वैल्यू 13 होता है, 13 नंबर पे एम आता है। तो ये हम 13 तक कंप्लीट किए, 13 लेटर हमारा बचा, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको सेशन अगर पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके और आप हमेशा रहें अप टू डेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।